आज से करीब 15,000 साल पहले हिमालय के ऊपरी भाग में एक योगी प्रकट होते हैं। किसी को नहीं पता था कि वो कहां से आए हैं और ना ही उनके पूर्वजों के बारे में पता था, पर वे अलौकिक लग रहे थे। तो उनके पास भीड़ इकट्ठा होती है और लोग सोचते हैं कि शायद कुछ चमत्कार होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो शांत भाव से बैठे रहते हैं अपनी आंखों को मूंद कर, तो धीरे धीरे उनके पास से भीड़ कम होती जाती है, पर 7 लोग फिर भी वहां बैठे रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति एक ही मुद्रा में इतने समय तक बैठा रह सकता है वो साधारण तो नहीं है। उन्हें लगता है शायद इनका कनेक्शन भौतिक वातावरण से कट चुका है और ये कहीं और पहुंच चुके हैं। तो वे उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके पास ये जो अकल्पनीय ज्ञान है उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे। योगी अपनी आंखों को खोलते हैं और कहते हैं कि यदि आपको यह ज्ञान चाहिए तो इसके लिए आपको साधना करनी होगी और खुद को तैयार करना होगा। वे इसके तरीके भी उसे बताते हैं और वो 7 लोग इस तरीके को शुरू करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे दिन से महीने, महीने से साल, साल से दशक बीत जाते हैं और 84 साल बाद योगी अपनी आंखों को खोलते हैं और कहते हैं, अब तुम तैयार हो चुके हो। पहली बार इंसानियत ने ये देखा कि नेचर के लॉज को तोड़ा जा सकता है और हम उससे परे जा सकते हैं। योगी ने उनको ये आइडिया बताया और ये भी बताया कि कैसे आप साधना कर सकते हैं और कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि लोगों को योगी का नाम ना ही पता था और ना ही उन्होंने अपना नाम बताया, तो उन 7ों ने उनका नाम आदि योगी रखा। आदि योगी यानी कि प्रथम योगी।